ये तो हो गया वो सांगो विलेज जो आप अभी देख रहे हो। नाउ लेट मी टेक यू बैक टू 2021 जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। सो नाउ लेट्स कम बैक टू 2022 जब ये फाइनली बन के तैयार हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ सांगो विलेज और आज का मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपने पुराने ड्रोन फुटेज में देखा था कि ये जगह कैसा था और अब कैसा बन चुका है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा जगह अरुणाचल प्रदेश में एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। सो आई विल शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू अंदर चल के। लेट्स गो। एंट्रेंस ही मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप ऊपर देखोगे तो वाओ मैन, आओ अंदर देखते हैं और क्या क्या है। तो अंदर घुसते ही वो एकदम हॉस कास वाला फीलिंग आ रहा है दिल्ली में, बिकॉज यहाँ में एक नहीं दो नहीं बट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ और 7 डिफरेंट टाइप के जॉनर के बार्स हैं। हर रेस्टोरेंट हर बार का अपना अपना स्पेशलिटी है। दे हैव देयर ओन फूड स्टाइल, ड्रिंकिंग स्टाइल। तो आप आज हम क्या करेंगे कि सभी में बारी बारी घूम के देखने वाले हैं कि सभी का क्या क्या अंदाज रहने वाला है। स्टार्टिंग विथ टेक होम, चलो। तो एक क्विक हाइपर लैप्स लेने के बाद अभी हम सबसे पहले जाएंगे टेक होम में और वहां में देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिला है। आ जाइए बॉस। ये फोटोग्राफी करने के लिए बहुत अच्छा जगह है और यहाँ में कपल्स के लिए भी एक बहुत ही क्यूट सा एरिया है। आई थिंक दिस इज फॉर टू पीपल ऑफ फोर, तो रोमांटिक सा एरिया है। अभी इफ वी टर्न अराउंड यहाँ में और भी काफी सारे जगह हैं एंड दिस इज द बार काउंटर दैट दे ऑफर। और यहाँ का फूड स्पेशलिटी है थाई एंड कॉन्टिनेंटल डिशेस। तो अगर आप थाईलैंड और कॉन्टिनेंटल डिशेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो यू कैन डेफिनेटली विजिट हियर फॉर फूडिंग। और यहाँ में लिकर्स तो सभी तरह के, विस्की, अल्कोहल, बियर, व्हाटएवर यू वांट यू गेट इट। एक अच्छा सा ओपन स्पेस भी है जहाँ में आप रितो रिबा की तरह तो नहीं लेकिन गा जरूर पाओगे। आगे यहाँ में और भी काफ़ी सारा सिटिंग एरिया है। टेको के भी दो सेक्शन है एक्चुअली, एक नीचे में और एक ऊपर में। दिस इज मेनली फोकस फॉर फूडिंग। यहाँ में सीट फैमिली एम्बियंस है तो अब यहाँ में आराम से फूडिंग कर सकते हैं। अभी हम ऊपर का देख रहे हैं। सो दिस इज द अपर पोर्शन ऑफ टेको। यहाँ में भी वही फैमिली एम्बियंस ही है। यहाँ में बस पीपल मोस्टली कम फॉर ड्रिंकिंग, तो थोड़ा ड्रिंकिंग वाला एनवायरनमेंट है। और अभी तो शाम हुआ नहीं है, जब शाम कम्प्लीटली हो जाता है यू गेट दिस अमेजिंग व्यू जानकर नाहरलगन के रास्ता का। तो यहाँ में भी आपको काफ़ी सारे सिटिंग कैपेसिटी देखने को मिलते हैं एंड जस्ट अबव देयर वहाँ में उनका एक खाली ग्राउंड भी है। यहाँ में मतलब काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते हैं, रिसेंटली हैलोवीन भी हुआ। मैं नीचे जाके अच्छे से दिखाता हूँ बट उससे पहले इफ वी जस्ट टर्न अराउंड हमें एक और बार देखने को मिलता है। तो पहले हम अपने ग्राउंड को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद विल टेक यू टू द नेक्स्ट रेस्टोरेंट। लेट्स गो। तो अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो और अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो दिस कैन बी ए वेरी गुड प्लेस, क्योंकि इन्होंने यहाँ में काफ़ी बड़ा बैकयार्ड रखा हुआ है इवेंट ये सब करने के लिए। एक हाइपर लैप लेके आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो अगर आप बिल्कुल मेरे ऊपर पे देखोगे तो वहाँ में आपको सांगो विलेज देखने को मिलेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था द नेम ऑफ दिस प्लेस इज सांगो विलेज। यहाँ में मतलब एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि 7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स है। सो इट्स नॉट सांगो प्लेस बार और एनीथिंग बट सांगो विलेज। यहाँ में जैसे कि मैंने आपको बताया था यू गेट अ स्टेज हियर, तो यहाँ में काफ़ी सारे इवेंट्स को आप कर सकते हो। रिसेंटली यहाँ में एक कॉस्टले भी हुआ था हेलोविन के नाम पे, हेलोविन का एक पार्टी भी हुआ था, डीजे भी हुआ था। अगर आप भी कुछ प्राइवेट बुकिंग या कमर्शियल डीजेस वगैरह करवाना चाहते हो दैन दिस इज द प्लेस फॉर यू। डरिंग यू, यहाँ में काफ़ी सारे आपको स्टॉल्स लगाने के लिए भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वी ऑल्सो हैव द ऑप्शन फॉर वॉशरूम ओवर देयर। और यहाँ में घूम जाओ तो एक रोमांटिक सा बड़ा प्यारा सा सेटअप भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पहुँचने के बाद पीछे का जो व्यू है वो तो भाई सुपर। अभी हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रेस्टोरेंट और मैं आपको जाके दिखाते हैं कि उनके पास कौन सा जॉनरे का फूड, लिकर, अल्कोहल है। तो अप नेक्स्ट वी हैव मर्फीज लो। यहाँ में काफ़ी क्लियरली बार, ग्रिल और कैरियो के लिखा हुआ है। सो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि हमें कैरियो के रूम देखने को मिलेगा।
एज वेल एज मुझे सुनने में आया कि दे सर्व मोस्टली कॉन्टिनेंटल डिशेज, उनका स्पेसिफिक ये जॉनर है, तो अंदर चल के देखते हैं, लेट्स गो। तो अंदर घुसते हैं, हमें काफ़ी प्यारा वाला एम्बियंस देखने को मिलता है एंड वहाँ में भी काफ़ी सीरियस जगह है और आई लाइक रियली लाइक द डेकोरेशन जो उन्होंने किया है, पोस्टर वोस्टर लगा के फ्रेम कर एकदम ग्रीन वाइव घर वाला एम्बियंस है। तो नीचे पे यू गेट द प्लेस फॉर फूडिंग, ये आई बिलीव कि हमें ज़्यादा खाना खाया जाता होगा, लिकर का सेक्शन शायद ऊपर पे होगा एंड यू गेट द स्मॉल प्लेस जहाँ में आप एक उसी की तरह पहले की तरह गाना आना भी आके गा सकते हो, यू कैन डू द फ्री व्हाट यू कॉल इट लाइव सिंगिंग और व्हाटएवर। तो चलो ये पूरिंग वाला सेक्शन को आगे बढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ देखते हैं, आई रियली बिलीव कि इनका ऊपर का सेक्शन बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो ऊपर आते ही टेबल्स शुरू होते हुए यहाँ में भी काफ़ी सारा टेबल्स और सिटिंग एरिया है, आई थिंक दे रियली हैव अ गुड कैपेसिटी। और जैसे कि मैंने बताया था और मैंने देखा भी था कि यहाँ में कैरियोके रूम्स भी आई गेस दो हैं, तो तुम्हें दिखाता हूँ। उससे पहले यहाँ में एक बार का काउंटर है और काफ़ी सारा स्पेस है। तरुण अभी हमें आगे लीड करने वाले हैं टू द कैरियोके रूम। क्या नाम है इसका? इसका है पेनीलैंड। पेनीलैंड, ओके। पेनीलैंड का ये 1000 रुपीज पर आवर। 1000 रुपीज पर आवर, ओके। तो आप जैसे ही पेनीलैंड एंटर करते हो काफी बड़ा एलसीडी स्क्रीन देखने को मिलता है यहाँ में, म्यूजिक व्यूजिक सब कुछ बढ़िया है कैरियोके, और ये रूम भी काफी अच्छा है, 10-15 लोग तो आराम से घुस जाएगा मेरे हिसाब से, और प्राइवेसी पूरा पक्का ना, ओके। नेक्स्ट वाला एक और है ना, बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला एक और है, वहां में भी चल के दिखाते हैं। तो इसका क्या नाम है? अबे रोड, ओके। ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है और काफी एकदम रोमांटिक सा एनवायरनमेंट मेरे को देखने को मिल रहा है। और इसका प्राइस कितना रहने वाला है? इसका प्राइस है ₹1500। और रूम तो पूरा पक्का साउंड प्रूफ है ना, मतलब यहाँ में जितना हल्ला करो बाहर नहीं जाने वाला, कोई सुनने वाला, तो आपको डेफिनेटली 100% प्राइवेसी यहाँ में मिलने वाला है। और तो सेटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा, यहाँ तो आई थिंक 20-25 लोग आराम से आने वाले हैं, और तो काफी बड़ा एलसीडी स्क्रीन भी है, पूरा स्पीकर सेटअप एवरीथिंग कैरियोके के लिए। तो आई थिंक 1500 इज ए वेरी फेयर प्राइस फॉर दिस वन। और आपका जैसे कि आपने पहले भी बताया था, इनका कॉन्टिनेंटल डिश जो फोकस्ड है ना सबसे ज्यादा, ओके। बाकी रेगुलर जो ड्रिंक्स है अल्कोहल लिकर बियर रम विस्की वगैरह वो सब तो आराम से अवेलेबल है, ओके। दैट्स रियली नाइस। अभी हम आगे चलते हैं और आपको नेक्स्ट वाला बार दिखाते हैं या रेस्ट रूम दिखाते हैं। तो अप नेक्स्ट वी हैव आवर थर्ड रेस्ट्रो कम बार विद द नेम येटी। इट सेज इट्स ए स्पोर्ट्स बार एंड किचन। तो अभी हम अंदर चल के देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्पोर्ट्स बार एंड किचन, लेट्स गो। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं यहाँ में एंट्रेंस के बिल्कुल बगल में हमें एक स्केट बोर्ड देखने को मिलता है, आई थिंक दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स बार मींस, पूरा स्पोर्टी सामान है यहाँ में। और जैसे ही हम एंटर करते हैं बिल्कुल ऑन माय लेफ्ट वी गेट टू सी द काउंटर, यहाँ में भी काफ़ी सारे विस्की रम अल्कोहल लिकर जो भी आपका टाइप है वो मिल जाएंगे। एंड एज वी गेट इन हमें यहाँ में एज द नेम स्पोर्ट्स बार काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के आइटम देखने को मिलते हैं। You get this, I don't know what do you call it, hand football, शायद इसे कहते हैं, so to play. So that's, I don't know how you play it, but जो भी है बहुत सही है। उसके बाद sport is art, that is really amazing. और boxing के gloves भी हैं, Barcelona और काफ़ी सारे football clubs के matches भी लगाए हुए हैं। वहाँ में आपका washroom का option है and if you turn around, यहाँ में भी काफ़ी सारा place है। I think this restaurant also holds a very large capacity for people. यहाँ में बाइक का सामान देखने को मिल रहा है जो मुझे एस्थेटिकली बहुत ही कूल लग रहा है। एंड दिस बोर्ड, ये लकड़ी जलाया हुआ है, वेरी नाइस। और यहाँ में भी कॉर्नर पे यू गेट अ वेरी बिग प्लेस, यहाँ में भी आई थिंक ए बिग ग्रुप ऑफ पीपल आराम से बैठ सकते हैं। और येटी का, येटी इज एक्चुअली द स्नो एनिमल मॉन्स्टर व्हाटएवर यू कॉल इट, उनका लोगो यहाँ लगाया हुआ है। सो दिस इज द ग्राउंड सेक्शन। अब हम ऊपर चल के दिखाते हैं कि ऊपर और क्या क्या है। तो नाउ जब मैं येटी के मेन्यू को देख रहा हूँ, यहाँ में काफ़ी सारे स्नैक्स, स्टार्टर्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, मेन कोर्स में भी आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो इट्स एन ओवरऑल मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, आपको हैवी फूड से लेकर लाइट फूड सब कुछ देखने को मिल जाता है। और लिकर में तो दे हैव द ऑप्शन फॉर एवरीथिंग, यू हैव कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, वाइन, बियर, शॉट्स, रम एंड वोडका वगैरह एवरीथिंग। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस टू यू नो गेट whatever the variety of food you want. Also drinks में भी काफ़ी सारे varieties आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर में एक snooker का table है लग रहा है, तो उसे भी जाके जरूर देखें। Let's go. So let's step up. देखते हैं ऊपर आते समय on the way you get this I think Michael Jordan का वो है design क्या गया। और ऊपर आते समय you get this
चेंज जो आपको स्टेयर उतरते समय मदद करता है, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड डिजाइनिंग आई वुड से। इंटीरियर में बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके तो जैसे ही आप ऊपर आते हो आपको एक बहुत ही बड़ा स्नूकर टेबल देखने को मिलता है, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट स्पोर्ट्स बार मींस। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आई थिंक ये इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स बार इन अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज इससे पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखने को मिला है जहाँ में यू गेट द प्लेस टू प्ले एंड ड्रिंक एट द सेम टाइम। यहाँ में भी एक छोटा सा एरिया है, आई थिंक यहाँ में भी 10-15 लोग तो आराम से फिट होने वाले हैं, और बिल्कुल ऑपोजिट में स्नूकर टेबल है जैसे मैंने बताया था, एंड बाहर में एक स्मोकिंग जोन का भी एरिया है, उसे हम जाके जरूर देखें। So this is the place for smoking. यहाँ में separately divide किया गया है ताकि non-smokers लोगों को problem ना हो, तो smokers लोग आके यहाँ में smoke करके आराम से जा सकते हो। Very good seat और very good designing. लिखा हुआ है ऊपर में alcohol you later. Okay, that is also good. अभी हम चलते हैं अगले destination की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है। Let's go. Alright, so up next we have Osmo Bar and Cafe. And yeah, ka actually first cafe hone wala hai. I'm very excited to go in. Dekhte hain. So jaise hi aap Osmo ghuste ho, and maine pehle bhi bataya, this is the first cafe of Sango Village. So kafi pyara sa, homely sa, acha wala atmosphere hai, acha wala vibe hai. And I'm really impressed by the decoration. I don't know if this is real or not. Not real, but sach mein decoration bahut hi zyada acha hai. Ekdam. जो कैफे है दैट इज रियली क्यूट। अभी हम एक बार ऊपर चल के भी आपको दिखाते हैं, ऊपर पे आई गेस लिकर का ही सेक्शन रहेगा, तो वहाँ में भी आपको दिखाते हैं कि व्हाट डू वी गेट एंड कैसा है देखें। वाओ, दिस प्लेस इज 10 टाइम्स मोर देन व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। देखने को अंदर का एम्बियंस बहुत ही सही लग रहा है। अंदर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले बाहर का कॉरिडोर दिखाता हूँ। और इसका जो डेकोरेशन है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पूरा, ये तो लोकल हैंडमेड लग रहा है, पता नहीं हैंडमेड है या बाहर से है, बट जो भी है बहुत ही बढ़िया है। ओके, यहाँ में भी आपको काफ़ी सारा सिटिंग कैपेसिटी मिलता है, यहाँ में भी आई थिंक से 50 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं। दे गेट दिस एंटायर प्लेस। और इसका जो इन्नो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मॉडर्न अमेरिका, मतलब मॉडर्न अमेरिका में आपको मॉडर्न अमेरिका के फूड्स, ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मेन कोर्सेज, ब्रेड वगैरह, पास्ता, पिज्ज़ा, सब कुछ देखने को मिल जाता है। एक बार अंदर चल के देखते हैं। तो आप जब यहाँ पे आओगे यू विल फील कि काफ़ी कुछ लोकल वेयर से इंस्पायर्ड है, मतलब काफ़ी लोकल वाला वाइब आएगा यहाँ में भी जब आओगे। दिस इज बिकॉज इनका जो फूड जॉनर है दैट इज मॉडर्न अमेरिकन, लेकिन इनका जो ये डिजाइनिंग अगर आप ऊपर भी देखोगे इनका जो डिजाइनिंग है कम्प्लीटली लोकल मॉडर्न ट्राइबल, यू कॉल इट मॉडल ट्राइबल इनका जॉनर है, तो इसी पे बेस पे इनका एंटायर बार एंड रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो आपको काफ़ी थोड़े थोड़े लोकल टच भी देखने को मिलेंगे। एंड इफ़ यू टर्न बैक वहाँ में भी आपको हमारा, आई एम नॉट रियली श्योर कि कौन सा ट्राइब का गालो और व्हाटएवर, बट जो प्रिंटिंग है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, लोकल लोकल सा प्रिंट है इवन कुशंस पे भी। दिस इज नाइस, ये तो मेरे को कई नोक्टे वगैरह ना लग रहे हैं जो कि है बहुत ही अच्छा है। और एंड अगेन इफ यू टर्न अराउंड देन यहाँ में एक बार का सेक्शन भी देखने को मिलता है, यू गेट एवरी लिकर हियर। यहाँ में भी आपको विस्की, रम, अल्कोहल के जितने भी सारे लिकर्स के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको सभी मिल देखने को मिलते हैं। दैट वाज इट फॉर ऑस्मो बार एंड कैफे। तो अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या देखने को मिलता है। तो जाते जाते आई वुड लाइक टू गिव यू अ रिमाइंडर कि अगर आपको भी एक अच्छा मॉडर्न अमेरिकन ब्रेकफास्ट चाहिए देन यू कैन ऑलवेज विजिट ऑस्मो बार एंड कैफे। तो हम यहाँ से लेते हैं एग्जिट एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो अभी हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन और लास्ट रेस्टोरेंट पे है विच इज इज़ागाया। इट इज़ अ जापनीज इंस्पायर्ड रेस्टोरेंट, यहाँ में सुशी वगैरह के ज़्यादा आइटम्स मिलते हैं जो आपको जापनीज फूड में देखने को मिलते हैं। तो अंदर जाने से पहले इनका एक बैकयार्ड भी है जहाँ में बारबेक्यू आप आग जला के एंजॉय करके ग्रिल करके भी फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। तो ये उनका बारबेक्यू एरिया है एक्चुअली। अगर यहाँ में भी काफ़ी सीटिंग के 3 सीट्स हैं, अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो नीचे से इनका आग जलाने के लिए सप्लाई है। शो यू। तो आप जब इसे हटाते हो तो यहाँ में आप एक्चुअली में आग जला के लाइव ग्रिल अपने आंखों के सामने फूड को पकता हुआ देख सकते हो, विच इज रियली वेरी। तो हम आगे चल के देखते हैं, यहाँ में भी ऐसा कुछ 3 सीट्स है। दिस इज मोस्टली फॉर फैमिलीज, यहाँ में कैपेसिटी भी ज़्यादा है। एक सीट पे एक टेबल पे आप लोग मतलब आई थिंक मोर देन 10-15 लोग तो आराम से बैठ ही सकते हैं। तो सब में वही है, आप अंदर आग जला के ऊपर में अपना लाइव फूड को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं आपको यहाँ से अंदर चल के दिखाता हूँ।
तो जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा था, जैसे स्पेसिफिकली है जापनीज रेस्टोरेंट, तो यहाँ में जितने भी सारे फूड आइटम्स हैं वो आपको जापनीज कुजींस ही देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो उनका भी बार मेन्यू में सब कुछ है, यू गेट एवरीथिंग, एवरी सॉर्ट ऑफ लिकर, रम, विस्की, बियर, व्हाटएवर। बट इनका प्लस पॉइंट क्या है कि दे हैव सम जापनीज ड्रिंक एज वेल, साके, देयर लोकल पोका और लोकल वाइन, एंड ऐसे करके जापनीज ड्रिंक्स भी अलग से आपको यहाँ में देखने को मिलते हैं इफ यू वांट टू हैव। ठीक है, मेन्यू को साइड में रखते हैं एंड अभी खाने के लिए वी गॉट पोर्क रामन एंड चिकन रामन एंड सुशी इज ऑल्सो कमिंग अप। ये सब चीज़ को हम लोग आपको चख के ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, इट्स नॉट कि वी आर हियर बट ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। लेट्स ईट फर्स्ट। मैं खाते खाते थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो गया था, आई फॉरगॉट कि मुझे फूड रिव्यू भी देना है एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बहुत मुझे, आई एम नॉट रियली अ जापनीज फूड फैन बट और आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रामेन आई एम हैविंग, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एज ऑनेस्टली। इफ आई बीइंग नॉट अ जापनीज कुजीन फैन, इफ आई एम सीइंग दिस कि अच्छा है, तो आई गेस आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा होगा जो लोग जापनीज फूड पसंद करते हैं। सो रामेन तो बहुत अच्छा है, चिकन रामेन भी आई हैड बहुत ही अच्छा है। Then pork stir fry, that is also very good. मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया actually. And up next we have sushi coming up. तो खाने से पहले तो very fancy I would say. So these are some sushis. अभी बताएंगे फिर that is the इसको क्या कहते हैं? Pickerman soya sauce. Okay, pickerman soya sauce. जैसे ये salmon sushi. Avocado sushi. Mango sushi. Okay. First time mango sushi हम actually देख रहे हैं। Also इनका जो उन्हीं का जो sauce है that is actually very nice. इसका एक spicy कुछ taste है, so I really loved it. And अभी हम sushi try करके आपको बताते हैं कि how is it. I don't know if I'm gonna like sushi or not because मुझे seafood इतना समझ नहीं आता है, but we'll try. Sushi को try करने से पहले I'll tell you a fun fact. एक बार 2000 बैक इन 2017-16 आई वॉज इन दिल्ली, तो माई गर्लफ्रेंड टुक मी टू ए वेरी फैंसी रेस्टोरेंट, तब से मुझे चॉपस्टिक यूज़ करना नहीं आता था, मैंने चुपके से हाथ से खाया था रेस्टोरेंट पे क्योंकि वहाँ पे स्पून्स नहीं थे। अभी जैसे तैसे करके मैंने आई लर्न हाउ टू यूज चॉपस्टिक्स, अभी मैं इसी से सुशी खाऊँगा। वी विल स्टार्ट विद सैल्मन सुशी, वेरी फैंसी, एक बार में खाते हैं। राइस है, सैलमन का टेस्ट आई कैन फील, और कुछ क्रीम्स है, मुझे तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब हम ये क्या था, आवाकाडो, अभी हम आवाकाडो सुशी ट्राई करते हैं कुछ इस तरह। इसमें कुछ अलग राइस यूज होता है क्या? इट फील्स लाइक राइस विद थोड़ा अलग है टेस्ट, अच्छा है। लोकल स्टिकी राइस है यहाँ ही का, वाह। ओके लास्टली हम जो सबसे लास्ट पे है हम ये ट्राई करेंगे, दिस इज मैंगो सुशी ना, मैंगो सुशी। मैंगो का टेस्ट तो सही से आ रहा है और राइस के साथ भी अच्छे से डिसॉल्व हो जा रहा है, पिकअप वाज आल्सो नाइस। सुशी तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे एंड जो इनका प्रेजेंटेशन था इट वाज अबव ऑल ऑफ देम, वेरी फैंसी, वेरी नाइस। तो अभी हम लोग आ ही गए हैं तो आई वुड नॉट सजेस्ट ड्रिंकिंग, बट हम लोग साके ज़रूर ट्राई करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड हॉट साके एंड ओए बहुत ज़्यादा हो। इसे हमारे आई थिंक लोग भी कंज्यूम करते हैं विद द सेम थिंग बट विद द डिफरेंट नेम, आरा के नाम से, मोनपा लोग शायद वहाँ पे आरा कहा जाता है। एनीवेज वी विल ट्राई दिस, चीयर्स। वोडका जैसे ही। क्रिस्टल वेज डम्पलिंग्स, इसमें दो तरह के मशरूम है इंग्रेडिएंट में, उसके बाद वाटर चेस्टनट भी है, तो अभी लेट्स ट्राई। मांगो ऐसा लग रहा है मैं चॉपस्टिक पकड़ने में प्रो हो गया हूँ। एंड दिस इज देयर सॉस जिसके इसमें डुबा के एक ही बाइट में, वाह सही है बॉस,
ओके सो वी आर डन ईटिंग. आई कुडंट फिनिश क्योंकि मुझे ऑनेस्टली लगा था कि रैमन एंड और मैगी कैटेगरी का है तो कुछ पेट नहीं भरेगा, लेकिन भाई सीरियस पेट भर गया. इनफैक्ट खत्म भी नहीं कर पा रहा. इट हैज लॉट्स ऑफ अदर आइटम्स एज वेल. एग्स था, काफ़ी कुछ वेजिटेबल का आइटम था और भी पोर्क वोर्क था, तो पेट एकदम टाइट हो गया, खत्म नहीं कर पाया. ऑल्सो डंपलिंग्स वर वेरी गुड, सुशी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, अवोकाडो वाज माय फेवरेट, साके वाज आल्सो गुड. आप लोग भी यहाँ में आके ट्राई करना. ऐसे अभी बाकी रेस्टोरेंट बार का ओनर सुनेगा तो गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ का फूड थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को बिकॉज काफ़ी यूनिक था देन अदर वंस. तो आप लोग भी यहाँ में आना, जापनीज फूड को ज़रूर ट्राई करना. और अभी हम यहाँ से निकलते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. ओके सो आज के लिए बस इतना ही. आई रियली हैड अ गुड टाइम इन सांगो विलेज. आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि आप लोग भी यहाँ में डेफिनेटली आना, हैव अ ग्रेट टाइम. और आपका भी एक्सपीरियंस मेरी तरह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है. ऑल्सो दिस वीडियो टुक मी 1 ईयर टू कम्प्लीट. लास्ट ईयर से मैं इस ड्रोन फुटेजेस को लेकर वेट कर रहा था कि कब वो दिन आएगा जब मैं सांगो विलेज का वीडियो अच्छी तरीके से डाल पाऊंगा और आप लोगों को दिखा पाऊंगा. सो आई एम रियली हैप्पी कि ये वीडियो फाइनली खत्म हो रहा है. So that was it for this video. I hope you guys enjoyed. If you did, don't forget to give this video a thumbs up. Make sure you subscribe to my channel. And as always, thank you for watching till the end. As I said earlier, you guys are amazing. Peace. Mere ko thoda sardi bhi ho gaya. Bye bye. See ya. Do visit Sangho Village.